आज माननीय मोरोपंत जी झांसी राज्य के प्रशासनिक मंत्री के रूप में पधारे। बधाइयों मोरोपंत जी, बधाइयों मोरोपंत जी, बधाइयों, बधाइयों मोरोपंत जी, बधाइयों। महाराज, आभार व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है मेरे पास, परंतु ये सेवक आपके द्वारा दिए गए इस सम्मानित पद की गरिमा पर खरा उतरने का यत्न निश्चय ही करूंगा। इन दोनों के बीच में अवश्य कोई नई चालें योजनाएं चल रही। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। हमने आपको इस समय अति आवश्यक कारणों से यहां बुलाया। आप बैठिए। यस मैजेस्टी। बंदियों को उपस्थित किया जाए। सैनिकों, बंधकों को उपस्थित किया जाए। यहाँ क्या कर रहे हैं? यही प्रश्न हम आपसे पूछना चाहते हैं मिस्टर फ्रेजर। आई डोंट नो योर मैजेस्टी। इन्होंने हमारे महल में आतंक फैलाने का दुस्साहस किया है। नो, नो, इट्स नॉट पॉसिबल। फ्रेजर साहब, झांसी के राज्य के सैनिकों की वर्दी के अंदर आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी की वर्दी आप खुद ही देख लें। ऐसे नाट्य तो हमारे रंगशाला में खेले जाते। I will punish them accordingly, Your Majesty. आए, ये कहीं नहीं जाएंगे। इनका स्थान हमारे बंदी गृह में। It is not possible, Your Majesty. इनका क्राइम ईस्ट इंडिया कंपनी के jurisdiction में हुआ, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के जेल में रहेंगे। आए, इनके आपराधिक गतिविधियां हमारे महल में हुई, इसके दंड हम देंगे। Please, trust me. हम आप पर विश्वास रखे मिस्टर फ्रेजर। आपने हमें विश्वास दिलाया था कि आप समर सिंह को गिरफ्तार करेंगे, परंतु समर सिंह आज भी फरार। हम आप पर कैसे विश्वास रखें कि आप इन अपराधियों को योग्य दंड देंगे? अगर ये सोल्जर आपके जेल में रहेंगे तो हम ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या आंसर करेंगे? मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि हमारे सोल्जर समर सिंह को फॉरन फाइंड आउट करके आपको सपोर्ट कर देंगे। ठीक है, हम इन्हें आपको सुपुर्द कर देते हैं, परंतु हमारी एक शर्त। ऑर्डर प्लीज। मिस्टर फ्रेजर, आपको यह लिख के देना होगा कि ये सैनिक आपकी कमिश्नरी में नियुक्त है और इन्होंने हमारे सैनिकों की वर्दी पहनकर महल में आतंक फैलाने का दुस्साहस किया है। By your majesty, लिखकर? केवल लिखकर ही नहीं, परंतु उस पत्र पर ईस्ट इंडिया कंपनी के मुद्रांकन के साथ साथ आपके हस्ताक्षर भी हुए। Oh,
पाएगी कि ये हत्या मैंने की है। बताओ कौन हो तुम? hey, क्या कर रहे हो तुम? हमारे दरबार की कार्रवाई में विघ्न डाल रहे हो, उधर जाके खड़े हो जाओ। क्षमा कीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। चुप रहने से तुम्हारा अपराध कम नहीं होगा। बताओ कौन हो तुम? महाराज, हमने कोई अपराध नहीं किया। महाराज, ये तो युवती मालूम पड़ती है। आप स्त्री हो? जी, नारी है पर अबला नहीं, भारतीय नारी है। परंतु कर्म से भारतीय नारी नहीं हो, अंग्रेजों के साथ मिलकर तुमने। नहीं महाराज, हमने इन धूर्त फिरंगियों को उनके दुस्साहस का दंड देने के लिए ये भेष धरा। ये फिरंगी हमारी धरती माँ को वर्षों से लूटते आ रहे। तुमने अकेले इतने सिपाहियों को मारा, इतनी शक्ति नारी में। जब मन में दृढ़ निश्चय, तब शक्ति अपने आप आ जाती। यदि आपकी बात सत्य है तो हिंदुस्तान के हर नारी को आप पर गर्व हो। कहिए, हम भी सुनना चाहते हैं। पहली शर्त, आपको किसानों का सारा लगान माफ करना। मंजूर। और दूसरी शर्त, एक हिंदुस्तानी नारी अपना नकाब केवल अपने पति के सामने ही खोलती, या फिर उसके सामने जो उस पर विजय पाए। झांसी के ध्वज खेल में सारी प्रजा के सामने यदि आप हमें हरा देते, हम वही अपना नकाब हटा देंगे। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।